अगर आप भी किसी दुकान से मोबाइल सिम खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आईडी पर आपकी जानकारी के बगैर कहीं सिम जारी हो जाएं। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने इन 7 लोगों को इसी आरोप में गिरफ्तार किया है और इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम के एक मामले में पुलिस सिम कार्ड के आधार पर एक शख्स के पास कन्नौज पहुंची तो पता लगा उसने कभी सिम ली ही नहीं थी। इस जानकारी की जांच के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ओरिजिनल आईडी पर अलग अलग कंपनियों की कई मोबाइल सिम जारी कर उन्हें आगे बेच देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 200 से ज्यादा मोबाइल सिम और 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इन लोगों ने ये बताया कि जब भी कोई जेन्युइन कस्टमर इनके पास एक जेन्युइन आइडेंटिटी पे सिम लेने आता है तो ये उस जेन्युइन आइडेंटिटी को मिसयूज़ करते हुए एक सिम कार्ड तो उस यूज़र को देते हैं लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मल्टीपल सिम कार्ड्स इशू करवा लेते हैं जिनको फिर ये कुछ कुछ दाम बढ़ाते हुए आगे बेच देते हैं और आगे की इनकी एंड यूज़र मार्केट दिल्ली तक हम पहुँच पाए। गिरफ्तार लोगों में शकील, रामजी पटेल, रचित उर्फ मिंटू कन्नौज के रहने वाले हैं, जबकि 4 लोग विशाल, पंकज, मनीष और प्रिंस हिंदुजा दिल्ली के रहने वाले हैं। ये सभी लोग सिम को ज्यादा पैसे में आगे बेच दिया करते थे। खरीदी गई सिम का प्रयोग फर्जी कॉल सेंटर और ठगी का कारोबार करने में किया जाता था। इंटरोगेशन के दौरान हमें ये पता लगा कि प्रिंस इन सब लोगों से इस तरह के इलीगल सिम कार्ड्स लेता है जो कि जेन्युइन आइडेंटिटीज पे इशू करवाए गए हैं और इन सिम कार्ड्स को इशू करवाने के बाद यूज़ करते हुए ये एक फेक कॉल सेंटर रैकेट चलाते हैं या फिर एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जो लोग पब्लिक को अप्रोच करना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी या लोन्स बेचने के नाम पे हो या फिर कुछ केसेस में थ्रेट देने के लिए और एक्सटॉर्शन के मोटिव से भी इन सिम कार्ड्स को यूज किया जाता है। इनकी गिरफ्तारी हैरान करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल सिम प्रोवाइडर कंपनियों को भी सलाह दी है कि वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म तैयार करें जिससे समय समय पर ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा सके। असली आईडी पर जारी सिम यदि अपराध में शामिल होती है तो परेशानी उन लोगों को भी हो सकती है जिनका पूरे मामले से कोई लेना देना ही ना हो। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन विजय के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर